बेहतर है अंधेरे से एक नए पथ का निर्माण करना है उजाले से। दीक्षा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और नमस्कार। जब भी कथा कहानी की बात होती है, चाहे माँ से पूछो या दादी से या बाबा से या नानी से, जर से शुरू होंगी। एक था राजा, एक थी रानी। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? नहीं ना। तो चलिए मैं आपको इसी पर एक कहानी दिखाता हूँ। एक था राजा। समाचार लाए हो गुप्तचर? महाराज, विजयगढ़ नरेश के अधीनता स्वीकार कर लेने के पश्चात पड़ोसी राज्य के लोग भयभीत हैं और किसी नरेश में ये साहस नहीं कि वो आपका सामना कर सके। देखा महाराज, अब आपका एक क्षत्र राज स्थापित हो जाएगा। नहीं महामंत्री जी, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध बहुत बुरी चीज है। गुप्तचर तुम जाओ। महाराज, यदि आदेश हो तो। हाँ हाँ महामंत्री जी, निसंकोच और कहिए, क्या कहना चाहते हैं? आपका पड़ोसी राज्यों से युद्ध ना करने का विचार उत्तम है, किंतु राष्ट्र सुरक्षा के साथ साथ सीमा विस्तार का भी दायित्व आपके ऊपर है महाराज। महामंत्री जी, आप भली भांति जानते हैं कि हमारी और हमारे पूर्वजों की नीति सदा से ही पड़ोसी राज्यों के साथ शांति की रही है। जहां तक विजयगढ़ नरेश का प्रश्न है, उन्होंने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था। हमने अपनी शक्ति और साधनों का उपयोग उन्हें पराजित करने के लिए नहीं, वरन अपने राज्य की रक्षा के लिए किया था। महामंत्री जी, युद्ध बहुत बुरी चीज है। इसमें न कोई हारता है न कोई जीतता है। किसी एक पक्ष का अहंकार हारता है और किसी एक का अहंकार जीतता है। युद्ध तो व्यक्तियों के बीच में नहीं, तो अहंकारों के बीच में होता है। महाराज की जय हो। महाराज एक सन्यासी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जैसी आप। परम ज्ञानी सन्यासी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव राजन। राजन आप आसन ग्रहण करें। आपके खड़े रहते मैं कैसे आसन ग्रहण कर सकता हूँ? तुम धन्य हो। राजन आप आसन ग्रहण करें। धन्य हो राजन। राजन मैं दूर से देशाटन के लिए निकला, रात भर के लिए विश्राम के लिए आश्रय चाहिए। आपने हमें सत्कार का अवसर दिया, हम धन्य हुए। एक रात तो क्या, आप जब तक चाहे यहां विश्राम कर सकते हैं।
अतिथि ईश्वर के समान होता है, हमें आपका आदर सत्कार करके सम्मान ही मिलेगा। राजन, तुम्हारी कीर्ति और यश का पताका चारों दिशाओं में फैले। महामंत्री, अतिथि देव के विश्राम का समुचित प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रहरी, सन्यासी को अतिथि गृह में ले जाओ और सेवकों की उचित व्यवस्था करो। महामंत्री, ये तो उचित प्रबंध नहीं हुआ। अतिथि देव को मेरे शयन कक्ष के निकट वाले कक्ष में विश्राम की व्यवस्था करवाएं, जिससे मैं अधिक से अधिक समय तक स्वतः उनका सत्कार और सम्मान कर सकूं। जो आज्ञा महाराज। रुक जाओ सन्यासी, क्या कर रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, तुम सन्यासी हो, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं चोर हूं। हाँ, मैं चोर हूं। मुझे धोखा देने का प्रयास मत करो सन्यासी। भागने के प्रयास में असफल होने के बाद तुम मुझे फिर धोखा देना चाहते हो? प्रहरी, ले जाओ इस पाखंडी को और इसके लिए कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था की जाए। मुझे सब स्वीकार है महाराज, किंतु मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया जाए। महाराज, मेरे विचार में सन्यासी को अपनी बात कहने का अवसर मिलना ही चाहिए। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मुझे मृत्युदंड मिलेगा। मैंने अपराध किया है इसलिए सजा स्वीकार करता हूं। महाराज, मैं यहां किसी के द्वारा नहीं, स्वयं आया हूं और मुझे मालूम है कि मुझे सजा मिलेगी, किंतु मेरे एक प्रश्न के उत्तर के बाद। बोलो, क्या जानना चाहते हो तुम? महाराज, रात में मुझे जो भोजन दिया गया था वो अन्न कहां से आया था? सन्यासी, वो अन्न भंडार से दिया गया था। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है महाराज। महाराज, आज्ञा हो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ, बोलो। कुछ समय पूर्व कुछ चोर यहां से अन्न चुरा कर पड़ोसी राज्य में ले जा रहे थे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। अन्न भंडार गृह में जमा कर दिया गया। कल रात भोजन के लिए जो अन्न दिया गया या उसी में से था। अनर्थ तो यही हो गया महाराज कि जो अन्न मुझे रात में भोजन के लिए दिया गया वो चोरी का था, और इसीलिए मेरी प्रवृत्ति चोरी की हो गई और मैंने रानी का हार चुरा लिया। महाराज, जो मनुष्य जैसा भोजन करता है उसकी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाती है। मैंने चोरी का भोजन किया इसलिए मेरी प्रवृत्ति चोरी की हो गई। इसलिए सभी मनुष्यों को मेहनत और ईमानदारी से उत्पन्न किया हुआ अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। बस महाराज, मुझे और कुछ नहीं कहना। आप जो सजा देना चाहते दे सकते हैं, मुझे स्वीकार है। पूछिए बात। आपने जो भी किया उसके लिए अपराधी मैं। आपने परिश्रम और ईमानदारी का जो संदेश दिया उससे मैं आपका ऋणी हो गया। अपने दोष को स्वीकार कर आप स्वयं तो दोषमुक्त हो ही गए। पड़ा वो है जो जाने अनजाने में की गई अपने किसी भी भूल को मान लेता है। आप कल भी हमारे अतिथि थे
और आज भी हमारे अतिथि हैं। राजन, आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि क्षमा श्रेष्ठ मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। सुख शांति यहाँ पर बसती है, सुख शांति यहाँ पर बसती है, सच्चाई यहाँ पर पलती।